इस देश के इतिहास लेखन पर अब बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर वामपंथी विचारधारा का जबरदस्त असर रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की कई पीढ़ियां देश के अतीत और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर गुमराह होती रही हैं। वामपंथी इतिहासकारों का सबसे बड़ा एजेंडा देश के अतीत पर विचारधारा का काला पर्दा डालने का काम कर रहा है। वामपंथी इतिहासकारों ने मनगढ़ंत चीजें गढ़ी ताकि खास तबके की राजनीति को इसका फायदा मिलता रहे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले की नीतियों का असर 185 साल बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अंग्रेजों के बाद यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की ठेकेदारी वामपंथियों ने अपने हाथ में ले ली। वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास लेखन का ऐसा सेट पैटर्न बनाया जिसमें सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने की मुहिम चल पड़ी। राष्ट्रवादी विचारधारा को कमजोर करना वामपंथी इतिहासकारों की सबसे बड़ी मुहिम रही है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों और साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की व्याख्या में जिस तरह का विचारधाराई फर किया गया उससे वामपंथी लॉबी का फरेब और दोमुहापन खुलकर प्रकट हो जाता है। हालांकि मौजूदा केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में एनसीईआरटी के पूर्व में किए गए इस छल को बदल दिया, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है कि पहले क्या लिखा गया था। स्वतंत्र भारत में राजनीति के पेज नंबर 159 पर हिंसा का चक्र शीर्षक के नीचे 1984 के सिख विरोधी दंगों के बारे में लिखा गया है। कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। ये हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। इस घटना को बताने के लिए हेडर दिया गया हिंसा का चक्र और नीचे लिखा गया सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। लेकिन इसी किताब में जब 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र आता है तो उसे हिंसा नहीं कहा जाता, उसे दंगा लिखा गया। साल 2018 में हुए बदलाव से पहले पेज नंबर 187 पर गुजरात दंगों से संबंधित जो पैराग्राफ था उसे शीर्षक दिया गया था मुस्लिम विरोधी दंगे, और इस शीर्षक के नीचे क्या लिखा गया था उसके एक एक शब्द पे गौर कीजिए। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई क्योंकि गोधरा में कार सेवकों से भरी ट्रेन पर हमला हुआ था, जिसके बाद मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की आग भड़की। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हिंसा को नियंत्रित करने में नाकाम रहने पर गुजरात सरकार की आलोचना भी की। सिख विरोधी दंगे और गुजरात दंगों के बीच शब्दों की जगलरी के जरिए इस तरह के फर्क को क्या कहा जाए? अफसोस ये है कि इस वामपंथी जगलरी के निशाने पर सियासतदान नहीं बल्कि वो छात्र होते हैं जो देश का भविष्य होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।